हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी के बारे में। दोस्तों इन्फिनिटी को कहा जाता है अनंत, यानी कि वह अनंत जहां तक मनुष्य की पहुंच नहीं है अभी तक, शायद भविष्य में हो भी जाए, क्योंकि मनुष्य वह खोपड़ी है जिसका कोई सीमा नहीं है, वो भी अनंत की तरह ही है, यानी कि इन्फिनिटी। यानी जो हमारा मस्तिष्क है वह इन्फिनिटी ही है, जो कि ना तो कभी भरता है और ना ही खाली रहता है। वह जब तक जिंदा रहता है वह भरता रहता है और कल्पनाओं की उड़ान उड़ाता रहता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी यानी कि अनंत की वह गहराई, वह खाई, जहां गिरने के बाद इंसान को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, या जानने के लिए जब जिज्ञासु होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यह कब तक, कहाँ तक और कैसे खत्म होगा। यह विचार उसके मन में जब तक चलता रहता है जब तक कि वह जिंदा रहता है, और यह ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोगों में होता है। तो दोस्तों इन्फिनिटी यानी कि जीरो, कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक जीरो है, यानी कि जब हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कि कहें तो मृत्यु हो जाती है, तब हमारा माइंड भी कुछ ऐसे ही जीरो हो जाता, शून्य। ना तो बॉडी का पता रहता है कि बॉडी में हलचल है या नहीं, दिमाग चल रहा है या नहीं, शरीर का कोई भी नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है जब मृत्यु होती है, यानी कि माइंड का वह लेवल यानी मस्तिष्क जीरो पे चला जाता है, यानी कि ऐसा शून्य में चला जाता है जहाँ पे उसे एक ध्वनि की आवाज़ तक नहीं आती, और वह अपने आप को घोषित कर देता है कि मैं मर चुका हूँ, और अनंत की गहराई में गिरता चला जाता है। तो दोस्तों इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि रहस्य, यानी कि इन्फिनिटी जो है आधा सत्य और आधा असत्य, लेकिन दोनों मिलकर के ही बनते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि एक का सीधा रूप है, एक का उल्टा रूप है। यानी कि मान लीजिए कि पॉजिटिव सीधा है, नेगेटिव उल्टा है, नेगेटिव सीधा है, पॉजिटिव उल्टा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ेंगे तो दोबारा से आप पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो दोबारा से नेगेटिव पे आ जाएंगे। तो ये इन्फिनिटी का कुछ चक्कर ऐसा ही है, इन्फिनिटी कभी खत्म नहीं होती है। यानी कि एक सिरे से चलते हैं तो आप उस इन्फिनिटी का यानी कि उस रहस्य का आधा हिस्सा देखेंगे, और फिर उसके बाद आधा हिस्सा देखेंगे, यानी कि पहले नेगेटिव हिस्सा, फिर पॉजिटिव हिस्सा, या फिर कहें पहले पॉजिटिव हिस्सा या फिर नेगेटिव हिस्सा। यानी कि 360 डिग्री में आप आधे हिस्से को और पूरे हिस्से को देख सकते हैं अलग 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 समय में। लेकिन कभी आपने कि सोचा है कि जो जीरो होता है, जीरो के अंदर सब कुछ खत्म होता है, लेकिन इन्फिनिटी के अंदर सब कुछ खत्म नहीं होता है। इन्फिनिटी के अंदर जो चीज़ें आज चल रही है वही चीज़ें दोबारा से घूम करके आएगी, यानी कि जो अभी चला है वह पीछे छूट जाएगा, और जो आगे आ रहा है वह आगे पीछे छूटता जाएगा, और जो बहुत पीछे छूट गया है एक समय के बाद ऐसा आएगा कि उस पीछे छूटे हुए समय में भी आप चले जाते हैं। ये है इन्फिनिटी का चक्कर। और ब्रह्मांड में इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ एक ही इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी के नौ रूप हैं, इन्फिनिटी के नौ रूप हैं। उनमें से कुछ इन्फिनिटी जो है अपने आप को जब डिवाइड करता है, अपने आप को डिवाइड करता है तो डबल हो जाता है, और कुछ इन्फिनिटी ऐसे हैं जो अपने आप को डिवाइड करता है तो उसी के बराबर के कई सारे छल्ले बन जाते हैं। और इस तरह से इन्फिनिटी एक जाल बनाती है, और ऐसा जाल बनाती है कि इन्फिनिटी खुद नहीं समझ पाता है, यानी कि खुद तो उलझा ही रहता है लेकिन समझने वाला कभी समझ ही नहीं पाता, यानी कि वह भ्रम की स्थिति। यानी कि यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है वह भ्रम है, और भ्रम कोई और नहीं बनाता है, भ्रम बनाने वाला इन्फिनिटी ही है। और इन्फिनिटी की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये सत्य है या वह सत्य है। एक इन्फिनिटी ऐसा है जिसको आप डिवाइड करते हैं और उसको आप आपस में जोड़ देते हैं तो आप पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव से नेगेटिव की ओर ही जाएंगे, लेकिन अगर उसको अलग करते हैं तो भी सिलसिला वैसे ही चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं। और एक उसी में ऐसा रूल भी है कि आप सामने सामने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को एक साथ देख सकते हैं। इन्फिनिटी को डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी खुद अपने आप में डिवाइड होती है,
और यह डिवाइड जैसे हम किसी वस्तु को तोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, वैसे ही कोई ऐसा लॉ है जो कि अपने आप को डिवाइड करता है। वैज्ञानिकों ने भी यही कहा है कि आज ब्रह्मांड जो है वो विस्तार ले रहा है। विस्तार लेने का मतलब ये हो सकता है कि इन्फिनिटी टूट रहा है, यानी कि इन्फिनिटी दो भागों में डिवाइड हो रहे हैं और वह धीरे 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 वो बड़ा होता चला जाएगा। और लेकिन उसके बाद भी इन्फिनिटी को सीधा नहीं किया जा सकता है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि किसी एंगल का एक पार्ट उल्टा है, एक पार्ट सीधा है। उन दोनों एंगल को अगर आप जोड़ देते हैं सर्कल में, तो आप उस एंगल से ऐसे घूमते हैं तो दोबारा से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर आप इस तरह से घूमते हैं तो आप फिर से पॉजिटिव की ओर जाएंगे नेगेटिव से, और इस तरह से घूमते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएंगे, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी ही खुद करता है। हमारा मस्तिष्क अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि हम बता सके कि आखिर इन्फिनिटी कैसे डिवाइड हो रहा, क्योंकि हम इस संसार के वह सबसे सूक्ष्म जीव है जिसकी सिर्फ कल्पना ही काम आती है, वास्तविकता में नहीं। वह कैलकुलेशन कर सकता है लेकिन देख नहीं सकता है। कैलकुलेशन से वह अंदाज़ा लगा सकता है लेकिन उस कैलकुलेशन का अंदाज़ा देख नहीं सकता है खुद अपनी आँखों से। बस वह कैलकुलेशन के माध्यम से वह सटीक जानकारी प्राप्त कर सकता है, लोगों को बता सकता है, दिखा सकता है, लेकिन स्वयं नहीं देख सकता है। जिस तरह से हम अपनी आँखों से पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का त्रिज्या, व्यास जो भी है, सब ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप इन्फिनिटी के बारे में जानें, और जो नॉलेज था मेरे पास, जो मैंने सीखा समझा, उसके बारे में आपको बताया इन्फिनिटी के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं जो कि रहस्य से भरे हुए हैं, लेकिन हम आदमी सिर्फ कैलकुलेशंस करके देखते हैं बस, उसके अलावा अपनी खोपड़ी को लगा नहीं पाते, हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। लेकिन सही बताऊं तो इन्फिनिटी को अगर सही तरीके से समझा जाए तो आदमी भले ही इन्फिनिटी को सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन इस संसार के रहस्य को जरूर समझ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।